purple flame on the beat. स्वागत आपका आज मेरे चैनल हरि दर्शन विद बिलजीत में। आप में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज मैं दिल्ली में स्थित मैरोली कुतुब मीनार को विजिट करने के लिए आया हूं, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक मीनार है। और अभी तक मैंने ऐसी भव्य वास्तुकला पहले कभी नहीं देखी, जो आज मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं यहीं से। कुतुब मीनार एक विशाल स्थल और जो आगंतुकों को आकर्षक करने में कभी विफल नहीं होता। और क्यों नहीं, आखिरकार ऐसा हर दिन नहीं होता कि आप एक वास्तु शिल्प कृति के सामने आए जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की मीनार होने का दावा करती है और 800 से अधिक वर्षों से ऐसी ही बनी हुई। क्या यह आपके लिए अपनी एक यात्रा की योजना बनाते समय, दिल्ली में अपने होटल बुक करते समय, इस प्रमुख पर्यटक आकर्षक को अपनी यात्रा कार्यक्रम में शामिल करना ना भूलें। लेकिन क्या दिल्ली में स्थित इस सदियों पुराने ऐतिहासिक स्मारक को सिर्फ यही सब नहीं, बल्कि इसके शानदार इतिहास से लेकर भव्य वास्तुकला तक, इसका संरचना के बारे में सब कुछ विस्मयकारी और इस ब्लॉक के कुतुब मीनार का इतिहास, वास्तुकला, समय, प्रवेश शुल्क और अन्य विवरणों को एक्सप्लेन करूंगा। और यहीं से मैं सबसे पहले बता दूं कि मैरोली दिल्ली में स्थित यह कुतुब मीनार सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुलता है। और भारतीयों के लिए इसकी टिकट 30 रुपये और विदेशियों के लिए 600 रुपये की टिकट है और 15 वर्ष से कम की आयु के लिए बच्चों का निशुल्क है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है अलाई मीनार। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था 1296-1316। खिलजी चाहता था कि इस मीनार को कुतुब मीनार से भी दुगुना ऊंचाई तक बनाऊं। जब निर्माण कार्य प्रगति में था तो उसकी मृत्यु हो गई थी और इस प्रकार वो मंजिल को पूरा ना कर सका। और यहाँ से देख सकते हैं, वैसे भी ये भलाई पहली मंजिल तक है, लेकिन बहुत खूबसूरत दिखता है यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे आप आके पिक्चर वगैरह, फोटो वगैरह बहुत अच्छे खूबसूरती से खिंचवा सकते हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको मेंटेन किया जाता है। बहुत साफ सफाई है यहाँ पे, आप फैमिली के साथ भी यहाँ पे आ सकते हैं। और यहीं पे एक कुआं था जिसको मैं ऊपर चढ़ के देखने के लिए गया। यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही डीपली एक कुआं है यहाँ पे। यहाँ पे लोग उसमें पैसे वगैरह भी फेंकते हैं, लेकिन ऊपर से कवर कर रखा है। यहीं से मैं ऊपर चढ़ के देखने के लिए गया। देखिए ये है वो कुआं। और यहीं से सामने देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ की आर्ट, यहाँ की जो वास्तुकला है बड़ी कमाल की है। और ये 800 साल पुराने, आप सोचिए ये कैसा दिखता होगा। और अभी ये देख सकते हैं इसकी आर्ट। और सामने ही यहाँ पे सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकार और दामाद थे। यह मकबरा उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में अपने सबसे बड़े पुत्र के मकबरे के सुल्तान गढ़ी सुल्तान गारी के निर्माण के 5 साल बाद सन 2235 में बनवाया था। इसके मध्य में संगमरमर से बनी कमर स्थित है। यही है सामने, ये देख सकते हैं यहाँ पर, यह है वो कबर। देखिए यहाँ की आर्ट देख सकते हैं। और अब इसके थोड़ा इतिहास की बात करूं तो दिल्ली के कुतुब मीनार के एक 5 मंजिल इमारत है जिसका निर्माण 4 शताब्दियों में कई शासकों ने करवाया था। इसे मूल रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। उन्होंने 1192 के आसपास विजय मीनार के रूप में बनवाया था। मीनार का नाम उनके नाम पर रखा गया है। हालांकि वह इसे पहली मंजिल से आगे नहीं बना पाए। उनके उत्तराधिकार शमशुद्दीन इल्तुमिश ने 1220 में संरचना की 3 और मंजिलें जोड़ी। इसकी सबसे ऊपरी मंजिली 1369 में बिजली गिरने की क्षतिग्रस्त हो गई थी।
इसके पुनर्निर्माण के फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जिन्होंने मीनार में पांचवी और मंजिल अंतिम जोड़ी थी, जबकि कुतुब मीनार प्रवेश द्वार में शाह सूरी ने बनवाया था। लगभग 300 साल बाद 1803 में भूकंप में मीनार को फिर से भारी नुकसान हुआ और ब्रिटिश भारतीय सेना के एक सदस्य मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने 1828 में संरचना की मरम्मत की। उन्होंने आगे बढ़कर पांचवी मंजिल के ऊपर एक स्तंभ युक्त मंजिल मिल गई, लेकिन 1848 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल हेनरी हार्डिंग के आदेश पर इसकी अतिरिक्त मंजिल को हटा दिया गया और मीनार के बगल में फिर से एक स्थापित किया गया। 1881 में एक दुर्घटना के बाद से मीनार को प्रवेश प्रतिबंध है, जिसके अंदर 47 लोग मारे गए थे। ये शायद आपको पता होगा, बहुत पुरानी हिस्ट्री है और यहाँ से देख सकते हैं इसकी कला। यहाँ की आर्ट, मुझे वास्तुकला बहुत ही प्यारी लगी। यहाँ पे देख सकते हैं किस हिसाब से दीवारों को आज भी यहाँ की कला देख सकते हैं। और कहते हैं कि कुतुब मीनार, शानदार कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है। इसका आधार व्यास 1403 मीटर है और शीर्ष पर 2.7 मीटर तक कम हो जाता है। संरचना में 369 सीढ़ियों वाली एक सर्पिट सीढ़ी भी शामिल है। मीनार के आसपास कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें हैं जो मुख्य मीनार के साथ मिलकर कुतुब मीनार परिसर बनाती हैं। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि मीनार प्रारंभिक अफगान स्थापत्य शैली प्रदर्शित करती है। अफगानिस्तान में जाम की मीनार से प्रेरणा लेकर बनाई गई थी ये, और मीनार की पांच अलग अलग मंजिलों से प्रत्येक को जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। और यहाँ से देख सकते हैं इसकी आर्ट, मैंने यहाँ से बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको क्लिप लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लगता है यहाँ पे, ये देखिए कितनी खूबसूरत आर्ट है यहाँ की। मैं खुद एक बार इसकी वास्तुकला को यहाँ पे, ऐसी आर्ट मैंने पहली बार देखी है। मैं पहली बार कुतुब मीनार आया हूँ इसको विजिट करने के लिए। तो ये देख सकते हैं अब आ गए हैं बिल्कुल कुतुब मीनार के सामने। एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप कुतुब मीनार घूमने आते हैं तो यहाँ पे आसपास भी बहुत सारी चीज़ें देखने को हैं, जैसे कि आदम खान का मकबरा, यहाँ से सिर्फ 850 मीटर पे दूरी पे है आदम खान का मकबरा। और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी की दरगाह है, 1.4 किलोमीटर है। जफर महल है जो सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। जहाज महल है, यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है। और हौज शमशी 2.1 किलोमीटर है। और जमालिक कमाल मस्जिद और मकबरा 3.3 किलोमीटर है। और बलवान का मकबरा 3.3 किलोमीटर है। तो ये 5-7 चीज़ें भी आप आसपास अगर कहीं दूर से आते हैं तो इसको भी ज़रूर विजिट करें आप। यहाँ पे इजली बहुत सारी जगह आपको यहाँ पे फ़ोटो खींचने को मिलेंगी और बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तो ज़रूर इन चीज़ों को भी विजिट करें। और यहाँ से ये देख सकते हैं, मैं जितना भी हो सका इस कुतुब मीनार की हिस्ट्री को बताने की कोशिश करी है, पूरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप देख ही सकते हैं मैंने कितनी खूबसूरती के साथ इसको कवर करने की कोशिश करी है, बहुत अच्छे से शूट किया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। तो यहीं से मैं अपने वीडियो को एंड करते हुए मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।